यार इसको कहते हैं किस्मत चमकना। आप लोग ने देखा होगा कि बॉबी देओल को काफी दिनों से काम नहीं मिल रहा था, यानी कि 3 से 4 साल से लगभग बॉबी देओल पूरी तरह से सत्तारी बैठे थे। लेकिन यहाँ पर एनिमल्स पर काम करने के बाद बॉबी देओल के ऊपर जो काम की लाइन लगी, ये चीज काबिले तारीफ रही। अभी कंगवा मूवी में बॉबी देओल आ रहे हैं, यानी साउथ सिनेमा में बॉबी देओल नजर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही भयानक सीन में नजर आ रहे हैं। यानी कि इसमें अगर बात किया जाए तो जैसे कि सूर्य हीरो होंगे और बॉबी देओल विलेन का रोल निभा रहे हैं। लेकिन विलेन के रोल की बात करूं तो यहाँ अगर जंगली टाइप यानी जंगल के विलेन के तरह होंगे, जहां पर एक जंगली लोग बन करके यानी जंगल से बिलैम करेंगे, बल्कि स्मार्ट सिटी से बन करके बॉबी देओल, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां पर बॉबी देओल का जो इसमें लुकिंग सीन रहा, तो ये इतना भयानक दिखा दिया इस मूवी में, कंगवा मूवी में, कि ये चीज को उम्मीद ही नहीं की गई थी। जैसे कि आप लोग एनिमल्स मूवी में यानी इतना बढ़िया रोल किए बॉबी देओल, हालांकि ब्लास्ट की आधा घंटा की सीन में ही सिर्फ नजर आए एनिमल्स मूवी में, लेकिन वहां पर जो आधा घंटा की सीन में ही अपना लुकिंग सीन क्रिएट किया, यानी जो अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीता, वो चीज काबिले तारीफ रही। इसलिए कंगवा मूवी में तुरंत उसको ऑफर मिल गया। और लेकिन कंगवा मूवी में उसके अलावा भी कुछ मूवियों में इनसे बातचीत चल रही है, जो कि दूसरी मूवियों में भी ये विलेन के रोल में नजर आ सकते हैं। देखो, कभी एक्टिंग जो होती है अंदर से फूट फूट के निकलती है, वो चीज काफी साबित भी करते हैं बॉबी देओल, और अच्छी एक्टिंग भी करते हुए नजर आए। कंगवा मूवी में बॉबी देओल विलेन के रोल में नजर आएंगे, वहीं पर सूर्या हीरो के रोल में नजर आएंगे, जो कि सूर्या की अगर आपने मूवी देखी होगी तो काफी बेहतरीन मूवी होती है, साउथ सिनेमा से बिलोंग करते हैं। देखो, हिंदी सिनेमा और साउथ सिनेमा कंपैरिजन तो बनता ही है, क्योंकि साउथ सिनेमा कभी भी हमें दिखाता है भाई कुछ नेक्स्ट लेवल का हमेशा दिखाने की कोशिश करता है। और कंगवा जैसी मूवियाँ अगर हमारे सामने आती हैं, तो इसका पहली बार कंगवा मूवी का नाम ही है, और इसमें कुछ आप लोगों को देखने में ऐसा लग जाएगा जैसे कि बॉबी देओल का जो रोल है इतना गंदा, इतना भद्दा, बड़ी बड़ी दाढ़ी और दांत बिल्कुल काले काले, अजीब से सीन देखने को मिलेगी, जैसे कि आप लोग डिस्प्ले पर शायद देख पा रहे होंगे। ये चीज बहुत ही अलग लग जाती है। लेकिन यहाँ पर इस मूवी का भाई जो अभी से इसका जो ट्रेलर ही जैसे पड़ा था, यानी टीजर पड़ा था, तो टीजर ने यानी जो अपना यानी कि तहलका मचाया, जो इनने अपनी छाप छोड़ी भाई, बहुत ही काबिले तारीफ रही और बहुत ही अच्छा लगा मूवी को देख करके। मूवी को देख करके एक मिनट के लिए भी आपको शायद इसमें बोरिंग नहीं फील होगा, ऐसा ट्रेलर से एंड टीजर से हम फील कर सकते हैं। जैसे कि हमें पहले ट्रेलर दिखाया गया था, उसके बाद टीजर अभी कल डाला गया, तो ये यानी कि इससे समझ में आ जाता है मूवी का बेस क्या होने वाला, मूवी कितना सर चढ़कर बोल सकती है। इसलिए कंगवा मूवी देखो, साउथ सिनेमा में कभी भी हमें एक चीज तो कंफर्म मिल ही जाती है, साउथ सिनेमा कभी भी ऑडियंस को अपने निराश नहीं करता है। छोटे से छोटे हीरो को अगर वो उठा करके फिल्म बनाते हैं ना, तो उस मूवी का भी इतना बड़ा चढ़ा करके दिखा देते हैं और इतना बढ़ा चढ़ा करके मूवी को बना देते हैं, जिसमें कि ऑडियंस को ना चाहते हुए भी मूवी को एक्सेप्ट करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बॉबी देओल की इसमें अगर रोल विलेन का निभा रहा है तो बेहतरीन मूवी है। फिलहाल आप लोग क्या कहते हैं कंगवा मूवी के लिए, हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।